गुजरातियों की जब बात हो तो हम सबसे पहली तीन डिशेस कौन सी याद करते हैं? खमन, ढोकला और फाफड़ा, राइट? और ऐसी ही एक जगह पर हम आ चुके हैं जो अहमदाबाद में काफ़ी फेमस है, स्पेशली फॉर खमन। और हम आ चुके हैं जलाराम खमन हाउस, जो अंकुर विस्तार में स्थित है और यहाँ का आई वुड से अहमदाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो लेट्स कम। यहाँ की भीड़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि इनके स्वाद में कितना सुनहरा आनंद है। सो लेट्स कम। यहाँ के खमन में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि खमन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जलाराम खमन हाउस का एक कंसिस्टेंसी है जो हमेशा वो सालों से क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उन्होंने मेक श्योर किया है कि खमन का जो कंसिस्टेंसी है, जो सॉफ्टनेस है, वो बरकरार रहे और टेस्ट में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एंड इट्स अमेजिंग, इनकी चटनी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ में इनके यहाँ पर चटनी और खमन के साथ साथ सेव खमनी भी मिलती है, जो एक अगेन बहुत ही फेमस डिश है गुजरात में। अगर आप कभी भी गुजरात आएंगे और अहमदाबाद आएंगे तो जलाराम खमन हाउस इज़ अ मस्ट विजिट फॉर यू। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक भाई, जो जलाराम खमन हाउस के ओनर हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी अशोक, हमारा जो यहाँ शॉप चालू किया है उसका 21 साल हुआ और टोटल मेरा धंधा चालू किया उसका 25 साल हुआ। हाँ, टोटल 25 साल मेरा बिजनेस चालू किया उसका। 25 सालों से अंकुर में? हाँ, अंकुर में ही है। आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर तो हमारा रेगुलर एक ऐसा हो गया है कि हमारा एक परिवार जैसा हो गया है कि रोज एक एक कस्टमर रोज आते ही है और ऐसा लगता है कि हमारा परिवार चल रहा है। कितने टाइप की वैरायटीज आपके यहाँ पर? यहाँ तो वैरायटी एक ही रखते हैं हम, ओनली वाटी दाल खमन और सेव खमनी, दो ही आइटम रखते हैं और कुछ नहीं। और क्या है खासियत आपकी खमन में जिसके लिए लोग यहाँ पर हर बार आते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे अपने खाने की? खासियत तो है कि जलाराम बापा की कृपा है, जो एक ही तरीके से एक ही कारीगर से बनाते हैं और कस्टमर ऐसे ही आते हैं कि दूसरी बार आ सके। आप अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हमारा सहकार ऐसा चलता रहे और कस्टमर दूसरी बार हमारे यहाँ आए, वही कहना है बस। यहाँ की जो चीज मिलती है बिल्कुल साफ सुथरी है, खाने में भी स्वादिष्ट है, और बड़ी बात यह है कि इसका जो चार्ज है बहुत कम से कम चार्ज है, जो हमें भी पोसाएगा, गरीब आदमी को भी पोसाएगा, खाना भी बढ़िया है और टेस्ट भी बढ़िया है। कितना आपको क्यों मतलब हर बार सिर्फ जलाराम खमन हाउस काफ़ी सारे हैं? हाँ, उसका जो मतलब इसका बनाने का तरीका है सबसे अलग है, जिसका टेस्ट सबसे अलग है। ये टेस्ट सबको भी मुँह पे लगता है, अच्छा लगता है, इसके लिए ये हम जलाराम खमन ही पसंद करते हैं। सूरत वासियों, अगर आपको सूरती खमन का जायका उठाना है तो जलाराम खमन हाउस आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। साथ ही अहमदाबादीज और गुजरात के बाहर से आने वाले लोग, आप सबके लिए जलाराम खमन हाउस अंकुर चारस्ता पे एक परफेक्ट लोकेशन है। ऐसे ही और चटपटी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान। बाय बाय।